देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। एक सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह के घूस लेने के वीडियो के साथ एसएसपी दफ्तर एक फरियादी पहुंचा, लेकिन एसएसपी के अवकाश में रहने के कारण फरियादी की फरियाद दरभंगा मुख्यालय के प्रभारी डीएसपी बिरजू पासवान ने फरियाद सुनी तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर को करने का आदेश दिया। पीड़ित की मां ने तो पैसे के बल पर पुलिस को घूस देकर उनकी जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है और पुलिस मुख दर्शक बनी हुई है। बात इतने पर नहीं रुकी, बल्कि पीड़ित ने थाना के एसएचओ पर भी काम के बदले 1,00,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया है और इसके सबूत भी होने की बात कह सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह के दूसरे पक्ष से पैसे लेने का वीडियो भी दिखाया। दरअसल मामला जिले के सिंगवारा थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गाँव का है, जहाँ के निवासी प्रहलाद शर्मा ने बताया की उनकी जमीनी पर मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम कब्जा करना चाहता है और वह दीवार भी जोड़ रहा है। तत्काल अपनी शिकायत कवे लगातार थाने का चक्कर काट रहा था, लेकिन सिंगवारा थाना के एसएचओ काम रुकवाने के एवज में उसे 1,00,000 रुपए की मांग किया। वहीं आरोप लगाते उन्होंने बताया कि जब वो पैसे नहीं दे पाया तो थाने में तैनात एक एसआई अशोक सिंह ने दूसरे पक्ष मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम के पक्ष में काम करने और जमीन कब्जा करवाने के नाम पर घूस लिया, जिसका वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इधर शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए डीएसपी बिरजू पासवान ने इसकी जांच का कमतौल के अंचल निरीक्षक को दिया है। उन्होंने कहा कि आवेदक ने रिश्वत लेने का वीडियो होने की बात कही, मामले की गंभीरता को देखते इसकी जांच का आदेश दिया गया। बड़ा बाबू कदम दिए, उसमें उन्होंने 1,00,000 रुपए का डिमांड रखे कि हमें 1,00,000 रुपया दीजिए, हम प्लॉट पर खड़ा होकर के बाउंड्री करवा देते हैं। जी, मेरा चेवाला भी है उस जमीन का। अच्छा, तो हम 1,00,000 रुपया कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बड़ा बाबू को देंगे 1,00,000 रुपया? और उसके बाद मेरे के साथ मारपीट भी किया गया, जख्मी भी है, देखिए वो देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाठी से लगा हुआ है चोट। कैसा ऐसा हमारे जो वहाँ पर गए हुए थे अशोक सिंह, आपको वहाँ हमारे पर घटना स्थल पर खड़ा होकर के तब उनका बाउंड्री करवा रहे हैं। रात को 11 बजे के बाद उनका काम चालू होता है, प्रशासन बैठ के काम चालू करवाते हैं। यही मामला साफ मिलना चाहिए सर। और ये उसके बाद एक और मामला है कि सीसीटीवी फुटेज के सामने में उन्होंने क्या किया है कि घूस लेते हुए भी वीडियो है, जो वीडियो हमने अभी किसी को नहीं दिए है जो कैमरे में, मोहम्मद इस्लाम घूस दे रहे हैं अशोक सिंह को, जो जमीन पर कब्जा कर रहा है वो घूस दे रहे हैं अशोक सिंह जी को। थाना का ऐसा साहब है सरासर घुस रहा है, प्लॉट पे बैठ के घुस रहे, वीडियो फुटेज सीसीटीवी में भी है और मोबाइल में भी है। एसपी साहब को हमने सारा चीज से अवगत करा, बोले इसका जैसे कि इंडक्शन के लिए सिंगवारा थाना अध्यक्ष को नहीं दिया जाएगा, कमतौल में इंस्पेक्टर साहब को दे दिया गया है जांच के लिए। चाहते हैं कि हमें हमारा जमीन है जो उचित, तो हमारा जमीन मिलना चाहिए। प्रहलाद जी का घर भगवतीपुर सिंगवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद लाल बाबू उर्फ इस्लाम जो शंकरपुर का निवासी है, उसके द्वारा उनके जमीन में मकान बनाया जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि वे थाना के अधिकारी को घूस लाल बाबू के द्वारा देते हुए वीडियो देखे हैं, वो उनके पास उपलब्ध है, किंतु उनके द्वारा दिखाया गया नहीं है और न ही इस आवेदन में संलग्न किया गया है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी के द्वारा इनसे 1,00,000 रुपये की मांग भी की गई है इस काम को कराने के एवज में। इसकी जांच पुलिस निरीक्षक कमतौल को दिया गया है, वो जांच करके। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल सेक्शन, गर्ल जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ, जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, किलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्रैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं।
हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल बाकरगंज लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट फॉर्मल कोट सूट शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैक डेरीज, विन हुसैन, मोंटी कार्लो, मुक्ति, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े। आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं अपने घर। आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय एनएसएस कोषांग द्वारा दलित पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य गोद लिए गए केवटी प्रखंड के गांव ननौरा में एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय शिक्षक पदाधिकारियों की टीम ने वहां के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक जनों से सीधा संपर्क कर विश्वविद्यालय द्वारा गाँव में संचालित होने वाले विविध कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। शिक्षा का तो अभी बहुत स्थिति दयनीय है, विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि दो दो स्कूल है लेकिन गार्जियन उतने जागरूक नहीं हैं, जिसके चलते थोड़ा शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रहा है। और पुस्तकालय वगैरह तो है ही नहीं, वाचनालय भी नहीं है और रोड का भी अभाव है। जहां हम लोग अभी हैं वहां भी तो रोड का अभाव है। आते हैं कि इस गोद लेने के संदर्भ में तो बड़ी खुशी हुई और इससे लगता है कि हमारे गांव का कायाकल्प होगा, शिक्षा का विकास होगा, रोड का विकास होगा, इसके बाद हर तरह से समृद्धि होगा। ये हम लोगों का है कि बहुत सहयोग मिलेगा सर, हम लोग हैं, हर तरह का सहयोग हम लोग देने के लिए तैयार हैं। एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा के संयोजकत्व में विश्वविद्यालय के 4 शिक्षकों की टीम आ पिछड़े दलित एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य केवटी पंचायत के ननौरा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। टीम ने वहां के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, सामाजिक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और वहां के आम लोगों से संपर्क किया। विभिन्न मोहल्लों में, टोलों में जाकर के उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्य को, गोद लेने का क्या उद्देश्य है और किस तरह के कार्यक्रम वहां चलाए जाएंगे, विशेष रूप से कुलपति महोदय के निर्देशानुसार टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वयंसेवक घर घर जा कर के सर्वे करेंगे, यदि कोई टीबी के मरीज मिलते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं दी जाएंगी। दलित शोषण मुक्ति मंच जिला कमेटी की ओर से जिले में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, दलितों को सुरक्षा, दलित उत्पीड़न से संबंधित पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के सामने जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। दरभंगा जिले में लगातार 6 महीना के अंदर दलितों पे लगातार घटना घट रही है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। कांड पहरी में कांड संख्या 90, जो महिला सुशीला देवी को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन पुलिस मुकदमा लेने से आनाकानी करती रही। इसी तरह मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन अभी तक उसका अभियुक्त छुट्टा घूम रहा है, जबकि थाना को पता है कि अभियुक्त गांव में रह रहा है लेकिन थाना उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उतना ही नहीं, बहेरी के सिमरी गांव में कमल राम, जो बहुत ही गरीब परिवार का है, उसको इस तरह से मारा गया, पेड़ में बांध करके, जो कहने लायक नहीं है, इतनी दर्दनाक उसकी पिटाई हुई लेकिन फिर भी उसका अभियुक्त छुट्टा घूम रहा है। कमतौल के अंदर मुसहर समुदाय पे सामंतियों द्वारा हमला किया गया मरनी देवी के ऊपर, लेकिन वहाँ भी मुकदमा हुई, वहाँ के भी अभियुक्त छुट्टा घूम रहा है।
भाकपा माले के पूर्व महासचिव सुब्रत दत्त जौहर, डॉक्टर निर्मल व रतन के शहादत दिवस पर शहीदों का सम्मान हमारा कार्यभार विषय पर भाकपा माले जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन पंडासराय स्थित विनोद मिश्र स्मृति भवन में आयोजित हुआ। श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण एवं यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वावधान में श्रम संसाधन विभाग कार्यालय में बाल अधिकार पखवाड़ा अंतर्गत बाल दरबार का आयोजन किया गया। बाल दरबार में बच्चों द्वारा कई अधिकारियों के तहत पेंटिंग प्रदर्शनी की गई तथा बाल दरबार में किशोर बालिकाओं द्वारा बाल विवाह और बाल श्रम पर चर्चा की गई। साथ ही साथ बच्चों ने बाल अधिकार से संबंधित कई निबंध और कविताओं की प्रस्तुति की। इस अवसर पर बाल संरक्षण पदाधिकारी नेहा नूपुर ने बच्चों को बाल विवाह और बाल मजदूरी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। सखी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा किलकारी के बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत तीसरे दिन जागरूकता कार्यक्रम लैंगिक दुर्व्यवहार पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बोयलाल मिश्र महाजन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा डेनवी रोड के सौजन्य से बोयलाल महाजन की पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य विद्यालय खराजपुर कक्षा पांचवी और छठी छात्राओं की कुल 42 छात्राओं के बीच छात्रों को स्कूल बैग वितरित किया गया। महाजन जो खराजपुर के आप पंच कोसी में बहुत ही मैंने किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे, न थे न है, बस उनकी स्मृति को कायम रखने के लिए आज यह ट्रस्ट का गठन हुआ 28 अक्टूबर को 2022 भोवेलाल मिश्र महाजन वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें प्रायोरिटी है महिलाओं का, छात्राओं का। पहला हमारा मिशन है कि हर वर्ष बोर्ड में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट पर आएंगे उनको 5100 पारितोषिक 3 को दिया जाएगा प्रतिवर्ष। अच्छा, उसके अलावा महिला प्रसार में या छात्राओं के उत्थान के लिए या उनके पढ़ाई लिखाई की सुविधा के लिए जो भी इस ट्रस्ट के द्वारा समर्थ होगा, जिसकी शुरुआत एक छोटे पग से हमने आज इस मध्य विद्यालय खराजपुर में किया है। आज बहुवेलाल मिश्र महाजन महाजन थे हमारे गांव के, बहुत लोकप्रिय आदमी थे। उनका निधन 2003 में हुआ था, आज 23वां बरसी है उनका। उसी के अवसर पर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है उनके पोता द्वारा, जिनका नाम है के मिश्रा, कुमार कल्याण मिश्र, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अध्यक्षता में आज कुछ बच्चों को हमारे खराजपुर पंचायत के मध्य विद्यालय खराजपुर में 5 और 6 दोनों क्लास के बच्चियों को 50-50 बैग वितरण किया गया है। शहर के नागनपेड़ 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडिया पार्क में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पार्क में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेई, 11वीं, 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और कल्याणचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा सभी लोक प्राधिकार को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई के क्रम में यह देखा जा रहा है कि परिवादों अपीलवादों की सुनवाई में आपके स्तर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने या अनुपस्थिति के कारण परिवादों अपीलवादों के निराकरण में काफी विलम्ब होता है तथा सुनवाई के दौरान परिवादियों अपीलकर्ताओं के द्वारा आपत्ति व्यक्त की जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामले में सार्थक कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण परिवाद अपीलवाद विस्तारित हो रहे हैं, जिससे जिला की रैंकिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें सुधार किए जाने के मद्देनजर सभी लोक प्राधिकार को निर्देशित किया गया है। आगामी 4-5 मार्च 2023 को नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में आहूर्त मिथिला इतिहास संस्थान के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला परिपत्र संस्थान के मुख्यालय इतिहास विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जारी किया गया। परिपत्र के अनुसार संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के अनेक दिग्गज इतिहासकारों के साथ साथ भारी संख्या में पेशेवर इतिहासकारों, सामाजिक विज्ञानी वैज्ञानिक युवा गणवेशकों और सामाजिक विज्ञान के जिज्ञासु छात्रों का विशाल समागम होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 4-5 मार्च 2023 को स्थानीय नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय लहरियासराय में होगा। उसी के संबंध में मीडिया से अपने विचारों को शेयर करने के लिए प्रेस वार्ता का यह आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देश के अनेक ख्याति प्राप्त इतिहासकारों के साथ साथ भारी संख्या में पेशेवर इतिहासकार, इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वान, इतिहास के युवा गवेषक इसमें भाग लेते हैं, जिनकी संख्या लगभग पूर्व सम्मेलनों के अनुभव के आधार पर हम यह मानकर चलते हैं कि कम से कम 500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। विभिन्न रूपों में जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर बिंदा डी पराजपे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ही इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर केशव मिश्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे एन सिन्हा, नॉर्थ ईस्ट विश्वविद्यालय गुवाहाटी के डॉक्टर रामेंद्र कुमार ठाकुर, पंडित कमलापति त्रिपाठी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज कुमार झा, खुदाबख्श लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां। इसके समग्र इतिहास पर फोकस होना जरूरी है, इसीलिए यह संस्थान भी बनाया गया ताकि मिथिला के इतिहास के समग्र इतिहास को का अध्ययन हो सके और नए नए शोध कार्य इसमें हो सके। इसका सामाजिक, इसका सांस्कृतिक, इसका आर्थिक, इसका राजनीतिक, हर तरह का जो इतिहास है उस इतिहास पे प्रकाश पड़े, इसके लिए यह सम्मेलन आहूत की जाती है और हर 2 वर्षों पे होता है यह सम्मेलन, किंतु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों से अंतराल आ गया, लंबा अंतराल हो गया, उसमें कई एक कारण हो गए जिसके कारण ये अंतराल आया। उसमें एक कोविड भी एक कारण बना, जो पूरे हिंदुस्तान में सभी तरह की जो गतिविधियाँ थी वो रुक सी गई। तो अब कोविड का ये खत्म हुआ है तो हम लोग अब इसको फिर से आहूत कर रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि मिथिला के संपूर्ण इतिहास को, मैंने प्राचीन, मध्यकालीन, अर्वाचीन, हर पक्ष पे पूरा का पूरा प्रकाश पड़े और हर फील्ड से स्कॉलर आए, यहाँ पे बहस करें, अपनी बात रखें, यहाँ जो बड़े वरिष्ठ इतिहासकार हैं वो उस पर अपना मंतव्य देंगे, तो इतिहास में एक स्वस्थ परंपरा, मिथिला के इतिहास लेखन में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी। सूफी संत हजरत सैयद साहब फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 129वें जलसे के मौके पर रहमगंज स्थित खानकाह आलिया समरकंदिया में आयोजित 4 दिवसीय जलसा के तीसरे दिन देर रात खानकाह परिसर में शानदार जलसे का आयोजन हुआ।
Oh.